हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ लाइफ मेसमराइज से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अलग अलग रेकी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी रेकियाँ सीखी हैं अपनी लाइफ में और सबका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अट्यूनमेंट भी करती हूँ रेकी का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रेकी है वो है यूसुई रेकी, जो नॉर्मली हम सब जानते हैं, जिसके 3 लेवल्स हैं, किसी किसी में 5 लेवल हैं, जिसके साथ हम एंजल्स कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल रेकी है जो हम नॉर्मली सभी लोगों को आती है, और लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस रेकी में कि कुछ चीज़ें हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या हमने वर्क नहीं किया है। और जहाँ तक मैंने रेकी को समझा है तो मैं ये जान आपको बता सकती हूँ कि रेकी सिर्फ हम एक नाम दे देते हैं, लेकिन रेकी एक बहुत ही प्योर एनर्जी है जो हम यूनिवर्स से, कॉस्मोस से जनरेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से, हैंड से, पाम से, चक्रास से, आँखों से। सो फ्रेंड्स, आप रेकी कैसे भी दे सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हाथ से ही रेकी देनी है। आप अपनी आँखों से दे सकते हो, आप अपनी ब्रीथ से दे सकते हो, काफ़ी चीज़ों से आप रेकी दे सकते हो किसी को भी। यू जस्ट नीड अ प्योर इंटेंशन, आपको सिर्फ एक प्योर इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है और आपका हार्ट होना चाहिए अनकंडीशनल, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो वर्क करें। हम मीन्स जो भी इंसान है धरती पे, उन सब के पास हीलिंग पावर्स हैं, बस उसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। सो रेकी इज़ द फर्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स, जो दूसरी रेकी है उसका नाम है मैजिक रेकी। मैजिक रेकी जो है वो जो सोल वर्ल्ड है ना, स्पिरिट वर्ल्ड है, उसके साथ कनेक्टेड है। यानी अगर गोस्ट का इश्यूज है, आपको कोई नेगेटिव एंटिटीज तंग कर रही हैं, या कोई आपका कोई कर्स है पास्ट लाइफ का, कुछ भी, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, या कोई नेगेटिव लोगों की मीन्स कोई आपके पास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, ब्लैक मैजिक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैजिक रेकी वर्क करती है। मैजिक रेकी हम दूसरी हीलिंग के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, और ये सिंबल फ्री है, उसमें सिर्फ एक ही सिंबल आता है, उसमें 2 लेवल्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो ये रेकी। सो ये बहुत ही इजी है, बट या ये थोड़ा जो लोग नए हैं, बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। जिन लोगों को नॉर्मल रेकी आती है वो ये रेकी कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए ये रेकी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि हम एक स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। बट हम प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन आपको सिर्फ आपके गुरु ही बता सकते हैं, या जिनसे आप सीख रहे हो वही बता सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी तीसरे नंबर की जो रेकी है वो वाइट ड्रैगन रेकी। फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने इस रेकी के साथ जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने ये जाना है कि ये रेकी काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी अच्छी है, एंथुजियाज्म आता है। यंगस्टर्स को ये रेकी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये करेज देती है, स्ट्रेंथ देती है, एक इम्यूनिटी पावर को पुश करती है, और काफ़ी एक्टिव एनर्जी है इसकी। वाइट ड्रैगन रेकी आपको नेट पे काफ़ी सारे ड्रैगन्स की रेकी मिल जाएगी, जैसे ग्रीन है, येलो है, रेड है, बट हम लोगों ने वाइट इसलिए लिया है क्योंकि वाइट जो है वो कॉमनली सभी जगह यूज़ होता है, और अभी मैंने सिर्फ वाइट ड्रैगन पे ही वर्कआउट किया है। और जहाँ तक मैं इस रेकी को जान पाई हूँ, तो जो बिगिनर्स हैं वो भी इस रेकी को अट्यून कर सकते हैं, जिन्होंने कभी रेकी का एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, वो भी इस रेकी का अट्यूनमेंट ले सकते हैं। ये काफ़ी प्योर एनर्जी है, और इसके अंदर भी 3 लेवल्स हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने 2 लेवल्स सीखे हैं, लेकिन 3rd लेवल मैंने खुद से क्रिएट किया है उसके अंदर, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। फिर फ्रेंड्स आता है फ्यूजन रेकी। फ्यूजन रेकी है कि वो सभी रेकी का मिक्सचर है। ये रेकी भी मास्टर लेवल की है, जिन लोगों ने ऑलरेडी रेकी 3rd डिग्री तक की है वो ये रेकी कर सकते हैं, या 1st डिग्री भी की है तो भी कर सकते हैं।
ये एक काफ़ी प्योर है और इसकी एनर्जी भी काफ़ी सूदिंग है, कामिंग है। हर पर्पस में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, फिर आती है यूनिकॉर्न रेकी। यूनिकॉर्न रेकी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, ये 7 डायमेंशनल की रेकी है, यानी बहुत ही हाई लेवल की। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम 3D में रहते हैं, 3rd डायमेंशन में। 4th डायमेंशन की रेकी है मैजिक। 5th डायमेंशन कह सकते हैं हम ड्रैगन। 6th का भी नहीं है, मैंने अभी उसका वर्कआउट नहीं किया है, बट यूनिकॉर्न जो रेकी है वो 7th डायमेंशन की रेकी है, क्योंकि ये यूनिकॉर्न से कनेक्टेड है। एक जो हॉर्स है जिनके सर पे मिडल में हॉर्न होता है एक, तो ये रेकी काफ़ी प्योर है, कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन जो लोग टोटली न्यू हैं एनर्जीज को लेकर, एनर्जी साइंस को लेकर, उनके लिए थोड़ा बिट टफ रहेगा, बिकॉज़ ये रेकी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, क्योंकि 7th डायमेंशन की जो एनर्जी को चैनलाइज करना इजी नहीं होता है, और इनिशियली हमारा बॉडी उतना कैपेबल नहीं होता है कि हम उतनी हाई लेवल की एनर्जी कंज्यूम करें। तो हमें धीरे धीरे उस एनर्जी लेवल तक जाना रहता है। तो अगर आपने नॉर्मल रेकी ली है, 1st या 2nd, तो आप यूनिवर्सल रेकी, सॉरी यूनिकॉर्न रेकी कर सकते हो। फ्रेंड्स, फिर आती है यूनिवर्सल रेकी। यूनिवर्सल रेकी का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई भी इंसान ले सकता है, चाहे वो बिगिनर है हो, चाहे उसको एनर्जी साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, कोई भी इंसान यूनिवर्सल रेकी को अट्यून करवा सकता है और उसको चैनलाइज कर सकता है। ये भी काफ़ी पावरफुल और विदाउट लिमिटेशन एंड बाउंडेशन के बिना की रेकी है। इसमें कोई सिंबल्स नहीं है, बट यूनिवर्सल रेकी खुद ही एक अपने आप में कंप्लीट है, यूनिवर्स को इंडिकेट करती है। सो इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। फ्रेंड्स, एक रेकी है जिसका नाम है वायलेट फ्लेम, सॉरी वायलेट फ्लेम रेकी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही हाई लेवल की रेकी है जो सिर्फ मास्टर्स कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि अभी जितनी भी रेकीज हमने किए हैं, हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास को बर्न नहीं कर सकते, पास्ट लाइफ हील नहीं कर सकते, इनफर्टिलिटी की जो इश्यूज हैं, हमारी सोल क्लियरिंग, 3rd आई ओपनिंग, चक्रास ओपनिंग, क्लींजिंग, इसमें काफ़ी सारे साइन, इसमें 4 लेवल्स हैं वायलेट फ्लेम रेकी में। और एक वो बहुत ही हाई लेवल की रेकी है जो 9th डायमेंशन की है। फ्रेंड्स, 9th डायमेंशन यानी अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे भी बढ़ना चाहते हो, तो वायलेट फ्लेम रेकी आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये जानना है आपका सोल पर्पस क्या है, तो ये रेकी आपको उसमें भी हेल्प करेगी। यानी ये जो रेकी है वो हमारे लाइफ के सभी एरियाज को कवर कर रही है, फिजिकल, फाइनेंस, स्पिरिचुअल, सभी एरियाज को कवर कर रही है। इसमें आप अपने कर्मास को बर्न कर सकते हो, पास्ट लाइफ ट्रॉमास को हील कर सकते हो, कोई भी डिजीज़ है, चाहे एड्स है, HIV है, उसको आप हील कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये रेकी काफ़ी पावरफुल है और मुझे इसको करने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये 9th डायमेंशन की एनर्जी है और बहुत पावरफुल है, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि ये रेकी बाकी रेकियों से काफ़ी अलग है, क्योंकि हर लेवल में 8899 सिंबल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रेकी है शमयानिक रेकी। अभी मैं सिर्फ आपको उसका नाम बता रही हूँ, बट इसके ऊपर अभी मैंने वर्क नहीं किया है। फ्यूचर में अगर मैं वर्क करूँगी इसके ऊपर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा, डेफिनेटली मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी और बता पाऊँगी कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इतनी सारी रेकीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फ्रेंड्स, रेकी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी है। हम सब, अगर कोई भी इंसान, हर एक इंसान थोड़ा बहुत भी सीख लेगा, तो हम अपनी मदर अर्थ की जो
वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, उसको रेज कर सकते हैं अपनी अच्छी फीलिंग से, प्योरिटी से। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। डेफिनेटली मैं कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और कुछ कुछ चीज़ों पे अगर आपको लगता है कि अभी वर्कआउट नहीं हुआ है या कुछ इश्यूज हैं कि अभी किसी ने उसके ऊपर लाइट नहीं डाली है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उन चीज़ों पे वर्क करना चाहूँगी और आपकी हेल्प करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लाइफ मेस्मराइज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमेशा मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड ऑलवेज बी विथ मी। थैंक्स अ लॉट।